दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का अभिवादन करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे दर्शकों को। और मैं विशेष रूप से आपको सूचित करना चाहूंगा कि आज विशेष पर्व है। पर्व इसलिए कि प्रजातंत्र का जश्न लोकसभा चुनावों के रूप में जो हम मनाने जा रहे हैं उसकी तैयारियों के संदर्भ में दूरदर्शन ने यह तय किया कि राजस्थान का जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग जिसे हम कह सकते हैं, यानी जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं श्री अशोक जैन साहब, उनका ये एक सुझाव था कि हम युवाओं को बुलाएं और उनसे बात करें और उनके माध्यम से प्रदेश के सभी वोटर्स को और अन्य लोगों को ये बताएं कि चुनाव के लिए तैयारियां क्या की जा रही है, आपका दायित्व क्या है, प्रजातंत्र को अक्षुण बनाए रखने के लिए, उसे सुदृढ़ करने के लिए क्या आपका दायित्व है, क्या वोटर से अपेक्षा की जाती है, क्या आपके अधिकार हैं, क्या आपके कर्तव्य हैं, क्या आपकी समस्याएं हो सकती है, क्या उनका समाधान हो सकता है, उन सब चीजों के बारे में प्रश्न उत्तर के माध्यम से चर्चा की जाए। श्री अशोक जैन साहब जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के आईएएस अधिकारी हैं, इस स्टूडियो में पधारे हुए हैं, आज के मेहमान हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि पहले उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और तालियों की इसी गड़गड़ाहट के बीच में मैं तालियां एक बार फिर बजवाऊंगा सिर्फ आपके लिए। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कंप्यूकॉम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स आज स्टूडियो में पधारे हैं, आप अपने लिए तालियां बजाइए एक बार जोरदार। तो सर मैं आरंभ करने जा रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, और पहला प्रश्न, चूंकि आप लोग युवा हैं और सरकार ने यानी जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं यानी पार्लियामेंट ने यह तय किया कि युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, प्रजातंत्र लोकतंत्र यानी चुनी हुई सरकार यानी ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल जो हम गवर्नमेंट की जो परिकल्पना करते हैं उसमें युवाओं की जब तक सक्रिय भागीदारी नहीं होगी, यानी हर वोटर की होनी ही है लेकिन विशेष रूप से युवाओं की, तब तक प्रयास सार्थक नहीं होंगे। और इसीलिए जो 21 वर्ष की आयु थी न्यूनतम वोटर बनने के लिए एलिजिबिलिटी योग्यता, उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। मेरा पहला सवाल यह है, आपको यह बताना है कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु किस तिथि से की गई, बताइए और जीतिए पुरस्कार। ये बताएं आप। 22 मार्च 1989। थोड़ा सा उधर देख रहा हूं मैं आपकी तरफ, ईयर शायद सही है, डेट सही नहीं है सर। ओके, और देखते हैं लोग क्या कहते हैं। ओके, ईयर इज करेक्ट, 1989 संविधान का 61वां संशोधन आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉन्सिक्वेंटली एंड सुटेबली एमेंडेड विद दिस पर्पस। अब आपको बतानी है डेट और जीतना है पुरस्कार। हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए आप डेट। जी सर, 28 मार्च 1981। वाह वाह सर, मैंने ये कहा कि 1989 सही है, ये बोल दिया मैंने, तब भी देखिए चुनौती देने वालों की कमी नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान नहीं रखा। चलिए आपसे पूछते हैं, बोलिए आप डेट। 28 मार्च 1989 बिल्कुल सही। शुभ नाम आपका? पिंकी मीना। पिंकी जी आपको बहुत बहुत बधाई, और आपको देते हैं ये पुरस्कार। और जैसा कि सर अगर आपकी अनुमति हो तो जिन्होंने 1989 भी कहा है उनको प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र के जश्न की हम बात कर रहे हैं, अगर आपकी अनुमति हो, क्योंकि ये लॉन्ग वे जाएगा, शी विल रिमेंबर ऑलवेज, जरूर देना चाहिए जरूर। आपका शुभ नाम? भावना। भावना जी आपकी इस भावना को देखते हुए, सर की भावना को देखते हुए तालियां बजाइए भावना जी। देखिए कई बार क्या होता है कि टेक्निकलिटीज में हम ज्यादा जाते हैं
टेक्निकल बातों के बारे में कि साहब 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष हो गई। अभी मैं सर से बात कर रहा था, अशोक जैन साहब से, तो उन्होंने मुझे पूछा कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि रेलिवेंट डेट कौन सी है। आप अगर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं तो आप 18 वर्ष के हो गए, वो डेट कौन सी मानी जाएगी। तो आपको यही एक प्रश्न बना लिया मैंने, आपको बताइए इसका कंप्यूटेशन, इसकी गणना कब होगी, यानी कब मान लिया जाएगा किसी भी वर्ष में जिसमें वोट हो रहे हैं, कब मान लिया जाएगा कि आप वोटर के रूप में वोटर लिस्ट में दर्ज होने के अधिकारी हैं कानूनन। वो तिथि क्या होगी जिस वर्ष इलेक्शन हो रहे हैं। इन्होंने हाथ खड़ा किया पहले, यस 25 जनवरी 25 जनवरी जी, आप खड़े होइए। 1 जनवरी ऑफ सर करंट ईयर जो, हाँ करंट ईयर यानी जिस वर्ष में इलेक्शन हो रहे हैं, वो मैं बोल ही दिया था, आप पूरा ही बोलिए। शुभ नाम। 1 जनवरी 2014 कोई बात नहीं। शुभ नाम। धर्मेंद्र गुप्ता। सर बिल्कुल सही है, धर्मेंद्र जी बिल्कुल सही से किया। यानी सही उत्तर ये हुआ कि पहली जनवरी जिस वर्ष इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन 2014 में हो रहे हैं, तो 1 जनवरी को जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली, दे आर एलिजिबल टू बी एनरोल्ड एज वोटर्स। जानकारी के लिए तालियां बजा लीजिए आप। देखिए जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस चल रही थी इस बात को लेकर के कि हिंदुस्तान को संविधान किस प्रकार का दिया जाना चाहिए, उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, किसी ने कहा अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, किसी ने कहा उस कंट्री की तरह से, किसी ने कहा इस कंट्री की तरह से, अलग अलग तरह की बातें हुई। तो बहस में भाग लेते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर ने बार बार इस चीज को रेखांकित किया और उन्होंने जोर देकर के कहा इट इज ए मटीरियल के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम कैसी दें अपने देशवासियों को, यह इस बात पर निर्भर करता है कि अंत तो गत्वा जो इसे अमल में लाएंगे संविधान को उनका चरित्र कैसा है। अगर उनका चरित्र अच्छा है तो कैसा भी संविधान हो वो अच्छा होगा, और अगर उसमें कुछ कमी या न्यूनता रहेगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसी भावना को ध्यान रखते हुए, भावना जी क्योंकि अभी ताजा ताजा सुना है तो मैं लोभ सवरण सर नहीं कर पाया, रखते हुए एक कानून बनाया गया और यह कह दिया कि भाई वोटर आप जब जाए और वहां पर जो कैंडिडेट्स यानी उम्मीदवार जो है अभ्यर्थी उनमें से अगर आपको कोई पसंद नहीं आवे तो आप एक कार्रवाई कर सकते हैं। वो क्या कार्रवाई है वो आप बताइए, क्या आपको एम्पावर कर दिया गया है, यह है मेरा सवाल। इधर से पूछते हैं साहब, इधर से कोई बोलिए आप। नोटा। नोटा क्या है भाई ये नोटा? हाँ तसली से भाई, क्योंकि दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो कहते हैं नोटा काय का नोटा, कुछ सोटा है कोई, नोट का नोटा है क्या? हाँ बैठो बैठो आप बैठ के। सर नोटा है साहब, अगर मान लो कोई उम्मीदवार है। नहीं वो तो मैंने सारी बात कह दी, उसके लिए आपने कहा नोटा, नोटा क्या है इसका नोटा का विस्तार। सर एक तो मैं दे ही दूं अपन जो लिबरल जो जिस चीज को लेकर के चलना अगर आपकी अनुमति हो तो, और फिर नोटा क्या है फिर किसी और से पूछना। शुभ नाम आपका? भागचंद चौधरी। भागचंद जी आप भाग्य के धनी हैं, अशोक जैन साहब ने फरमा दिया भाई आपको पुरस्कार दे दें, फिर नोटा का मालूम होना चाहिए थोड़ा आगे से, है ना। अरे मार्क्स यार 90% प्लस लाने हैं, आप क्या कर रहे हैं, कौन सा कोर्स परसू कर रहे हैं आप? बीटेक। जबरदस्त इंजीनियर बनो यार, वाह वाह भागचंद जी, तालियां बजाइए भागचंद जी के लिए। और चलिए भागचंद जी ने जो उत्तर दिया वो टेक्निकली पूरा करेक्ट है, बिकॉज ही इज अ टेक्निकल पर्सन गोइंग टू बी एन इंजीनियर बीटेक टेक्नोलॉजी। ओके उनकी सदाशयता के कारण आपको उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि एक पुरस्कार इसी प्रश्न में और जुड़ गया, नहीं तो वो खुद ही बता देते नोटा तो उन्हीं को ही मिल जाता। तो आपको बताना है कि ये नोटा है क्या, नोटा पूरा आपको बताना है। बोले साहब आप
none of the above. Subhna. Mukesh ji, kya baat hai, none of the above. Thoda idhar karke idhar bana liya aaram se. क्या बात है, आपका तालियां बजाने का अंदाज ऐसा है, कई बार ऑडियंस जब आती है तो कहना पड़ता है कि जब तक मैं पहुंच के पलट न जाऊं तब तक तालियां बजाते रहें, लेकिन आपका उत्साह और उमंग देख करके वाह, क्या बात है, क्या बात है। यानी नन ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, अब मेरा एक सवाल। कई बार क्या होता है कि कई जानकारियां आपको होती है और कई जानकारियां ये माना जाता है कि आपने ध्यान धरा होगा और गौर से पढ़ा होगा। आपको ये मालूम है कि राजस्थान से लोकसभा की कितनी सीटें हैं, सभी बोलिए 25। कितनी है? 25। इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्वड हैं। कुछ आपको ये बताना है शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीटें रिजर्वड हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी। मैंने दो पुरस्कार लिए, एक तो आप संख्या जो सही बताएंगे उनको, और एक फिर ये बता देगा कि वो कौन कौन सी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो कि रिजर्वड हैं एससी और एसटी के लिए, तो एक पुरस्कार और। अधिकांश लोग नजरें चुरा रहे हैं, मेरे से नजरें भी नहीं मिला रहे हैं। हाँ साहब, फोर सीट्स किसके लिए? एससी के लिए। एससी की फोर है? यस। कौन कौन सी है बोल दीजिए। चलिए, अब चूंकि आधा ही बता रहे हैं, आप एसटी की बता नहीं रहे हैं तो इसलिए दोनों बताएंगे तो मिलेगा पुरस्कार। सवाई माधोपुर और करौली। सवाई माधोपुर उसका नाम है और करौली गड़बड़ हो गया मामला। पहले तो आप बताइए रिजर्व्ड कितनी है। अच्छा, खड़े हुई आप किसके लिए? फोर एससी के लिए। एससी के लिए और एसटी के लिए? एसटी के लिए एक। एक, चलिए बैठें, अब तो पूरा सही आना चाहिए सब। एससी के लिए तीन। एससी के लिए तीन, ओके। शेड्यूल कास्ट के लिए 12 है और 12, ओके। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट्स हैं 4, शेड्यूल ट्राइब के लिए है 3। अब आपको जगहों का नाम बता दें, या इनमें से अगर कुल तीन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम सही बता दें आप शेड्यूल कास्ट और ट्राइब की मिला करके, तो भी मैं दे दूंगा पुरस्कार। बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, वैसे ही बच्चे ने सोचा सर, बच्चे ने इसको इस बात के लिए सब पुरस्कार अगर आप अनुमति दें तो दिया जाना चाहिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो कहते हैं ना कि क्षत्रिय विहीन हो गई या ऐसा कुछ नहीं, एक भावनात्मक बात को उसको कहने के लिए, जब कोई भी हाथ खड़ा नहीं कर रहा था, मैं माई का लाल भी नहीं कह रहा हूं सब लेकिन इसने हाथ खड़ा किया स्माइल करते हुए, तो अगर आप अनुमति दें तो एक दे ही दूं सब। शुभ नाम क्या बच्चा, क्या नाम है आपका? विशिष्ट जैन है। विशिष्ट साहब, वाह क्या बात है, क्या बात है, तालियां बजाइए साहब। देखिए, गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर और करौली और धौलपुर को मिलाकर के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो नाम है, ये चार तो हैं शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड, और शेड्यूल ट्राइब के लिए उदयपुर, बांसवाड़ा और दौसा। मेरे लिए भी अगर आप उपयुक्त समझें तो। अब ये देखिए, 7 अप्रैल से 12 मई के बीच में 9 चरणों में देश भर में 543 लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाएगा। मेरा सवाल यह है, आपको ये बताना है कि राजस्थान की जो 25 सीटें हैं लोकसभा के लिए, उसमें दो अलग अलग चरणों में यानी दो अलग अलग तिथियों को वोट डाले जाएंगे। आपको बताना है तिथियां कौन कौन सी है, एक पुरस्कार, और अगर आप ये बता दें कि कितने लोकसभा क्षेत्र
स्थिति को और कितने लोकसभा क्षेत्रों में मत डाले जाएंगे दूसरी तिथि को, दोनों तो एक पुरस्कार और दे दूंगा। जी खड़े हो आप। 17 अप्रैल और 24 अप्रैल। 17 अप्रैल और 24 अप्रैल, ये सही है साहब, दोनों डेट सही। शुभ नाम? अरुण कुमार बेरवा। अरुण कुमार जी बेरवा, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा अरुण कुमार जी। अब 17 अप्रैल और 24 अप्रैल दोनों गुरुवार, थर्सडेज, ओके, इनको डाले जाएंगे। अब आपको ये बताना है 25 में से कितने लोकसभा क्षेत्रों में 17 अप्रैल को और कितनों में 24 अप्रैल को मतदान होगा। एक पुरस्कार और होगा, 17 अप्रैल को 20 और 24 अप्रैल को 5। बिल्कुल सही है साहब। विपिन शर्मा, विपिन शर्मा, विपिन शर्मा, क्या बात है, वाह, विपिन शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा विपिन जी ने, 20 सीटें और 5 सीटें, दो अलग अलग चरण हो गए, 17 अप्रैल 20 और 24 अप्रैल 5। तो मेरा निवेदन यह है कि अशोक जैन साहब द्वारा सतत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है, कई प्रकार के प्रकाशन किए जाते हैं, कई प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। अभी आपसे बात करेंगे कि आप और क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। उस सबके बावजूद जब मीडिया में ये सारी बातें आती हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए कि जब जश्न होने जा रहा है, यानी 5 वर्षों में एक बार जब हम अपनी सरकार को चुनने जा रहे हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनने जा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा ध्यान धरें, गौर से पढ़ें और ये देखें कि जो बात कही जा रही है उसको समग्र रूप से पढ़ेंगे तो आप एनसाइक्लोपीडिया हो जाएंगे। और फिर चर्चा कीजिए औरों से, औरों को बताइए भाषण की तरह से कि भाई ये होने जा रहा है, इस तारीख को नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है चुनावों के लिए, इस तारीख तक ये समाप्त हो जाएगा टोटल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इत्यादि इत्यादि, कब मतगणना होगी, कितने चरणों में मतदान होगा, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा इत्यादि इत्यादि। और ऐसा कर करके आप देखिए आपका चेहरा बिना क्रीम लगाए ग्लो करेगा, दमकेगा, महकेगा। तालियां बजाइए अपने लिए, आप इस संकल्प के लिए। सर मैं चूंकि युवाओं की बात है और मैंने इनका आह्वान भी किया तो आपसे ये जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि युवाओं को लुभाने के लिए या उन्हें उन्हें दायित्व का बताने के लिए आपने क्या विशेष प्रयास किए हैं ताकि वो जुड़ें इलेक्शन प्रोसेस से, अपना नाम जुड़वाएं मतदाता जो सूचियां हैं उनमें, ये थोड़ा आप बताएं। देखिए जैसा अभी यहाँ पे एक प्रश्न किया गया उसके जवाब में बताया गया कि जो 1 जनवरी 2014 को 18 वर्ष की आयु के हो चुके थे जी, या उससे पहले हो चुके थे, वो वोटर के रूप में अपना नाम लिखा सकते हैं जी। तो सबसे पहला काम ये किया गया कि उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराया जाए जी। तो इसके लिए हमने कई तरह से उनको वो युवा वोटर्स को अप्रोच किया, कॉलेजों के माध्यम से किया, हमारे कैंपस एम्बेसडर्स के माध्यम से किया, विज्ञापनों के माध्यम से किया और अन्य जो हमारे जिला प्रशासन है उनके माध्यम से करते हुए, और आज हम इस स्थिति में हैं कि हमारे यहाँ जो वोटर लिस्ट है उसमें लगभग 17 लाख ऐसे वोटर हैं जो 18 से 19 वर्ष की आयु के हैं, तो ये युवाओं की संख्या। उसके बाद जो बात आती है कि इनको हम वोट देने के लिए प्रेरित करें, तो उसके लिए हम अब विज्ञापन माध्यमों का सहारा ले रहे हैं जिसमें हम युवाओं को विशेष रूप से कह रहे हैं कि आप आइए वोट डालिए। उसके अलावा युवाओं को जोड़ते हुए और कैंपस एम्बेसडर्स कॉलेजों आदि को जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे रैली निकालना, प्रभात फेरी निकालना और साइकिल रैली करना आदि, इस तरह की चीज़ें कराई जा रही हैं। उसके बाद युवाओं को आजकल चूँकि आप सब तो कॉम्पुकॉम कॉलेज से हैं, टेक्नोलॉजी से ही जुड़े हुए हैं, तो उसी को लेते हुए बताना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं जैसे फेसबुक पेज बना दिए गए हैं सभी ज़िलों के और विभाग का भी बना दिया गया है जिसको आप विज़िट कर सकते हैं आसानी से, उसमें आपको लेटेस्ट ताज़ा जानकारी मिलती रहती है।
उसके अलावा इस तरह की चीज़ें की गई हैं, एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है जो आपको इस काम में मदद करता है कि आप अपना नाम वोटर लिस्ट में कहाँ है देख सकते हैं, कौन सा आपका वोट पोलिंग स्टेशन है वो देख सकते हैं, और उस पोलिंग स्टेशन तक जाने का वे रास्ता क्या है वो भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से एक इलेक्शन थीम सॉन्ग को हमने कॉलर ट्यून बना करके मोबाइल पर दिया है जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये एप्लीकेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये इसलिए कि ताकि हर व्यक्ति अपना अगर मोबाइल पर इस कॉलर ट्यून को लेता है तो जो भी कोई उसको फ़ोन करते हैं उनको वो थीम सॉन्ग सुनाई पड़ता है और वो चुनाव में वोट डालने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इस तरह के कई उपाय हमने युवाओं के लिए किए हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए। देखिए इस बार आपने तालियां थोड़ी धीमे से बजाई और उससे मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने जितनी बातें कही गेंद आपके पाले में आ गई, यानी जो कार्यक्रम देख रहे हैं उन सभी युवाओं के पाले में आ गई। अब आपका दायित्व है कि आपको अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो नाम जुड़वाना है, कहां मतदान केंद्र होना ये मालूम करना है, किस दिन यानी जिस दिन आपकी पोलिंग होनी है आपको वोट देने के लिए जाना है तो आपको निकलना है, घर वालों को साथ ले जाना है, अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उनको भी प्रेरित करना है और आपको एक ऐसा माहौल बनाना है कि एक जश्न हो रहा है, आप सभी अपना अपना योगदान दें। तो मैं अपेक्षा ये करना चाहूँगा अगर आप संकल्पित हैं, आपने जो आपसे अपेक्षाएं की है या जितना भगीरथ प्रयास आप कर रहे हैं आप उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इज इट सो? तो फिर तालियां बजाइए संकल्प के रूप में। तो अब देखिए, अब मैं 2-3-4 पुरस्कार आपको देने वाला हूं। ये मैंने बड़े धीर और गंभीर अंदाज से इस बात को कही यानी कि आप इसको ध्यान धरें। अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपने ये सारी चीज़ों को पढ़ा है, देखा है, तैयारी की है इस कार्यक्रम में आने से पहले, तो आप ये बताइए कि ऐसा कोई भी वोटर जो एलिजिबल है यानी जिसने 18 वर्ष की आयु 1 जनवरी 2014 को पूरी कर ली है, 2014 को 1 जनवरी को जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, अगर उसे अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़ाना है तो उसे कौन सा फॉर्म भर करके इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के ऑफिस में देना होगा, ये बताइए। मैं इधर से एक 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 सबको पूछता चलूंगा, बताएंगे आप? बताइए। फॉर्म नंबर 6 सही है साहब। शुभ नाम? मनीषा सैनी। मनीषा सैनी जी, बिल्कुल सही उत्तर आपका, मनीषा जी को पुरस्कार। अब अगर मान लीजिए इधर का सवाल, अगर आपका वोटर लिस्ट में आप नाम कटवाना चाहते हैं तो कौन सा फॉर्म भर करके ईआरओ के ऑफिस में आपको जाना होगा और वहां पर उस फॉर्म को देना होगा? खड़े होइए आप। फॉर्म नंबर 7। फॉर्म नंबर 7 सही है सर। नाम? प्रशांत अवस्थी जी। और अगर मान लीजिए उसमें आपको करेक्शन करवाना है वोटर लिस्ट में तो फॉर्म कौन सा होगा, बोलिए आप। चलिए खड़ी होइए आप, खड़ी होइए। चलिए आपको पूछता हूँ। फॉर्म नंबर 8 सही है साहब। शुभ नाम? अंबिया परवीन। अंबिया जी बिल्कुल सही है। चलिए एक सवाल और, अगर आपको जो करेक्शन कराना है वोटर लिस्ट में, आप की जो विधानसभा क्षेत्र है वो वही का वही है लेकिन आपका निवास स्थान बदल गया है, ऐसे स्थिति में जो पता बदल गया है विधानसभा क्षेत्र वही है तो आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा? इधर से। फॉर्म नंबर 8A सही है साहब। 8A शुभ नाम? सुबीर चंद्रा जी। 8A
अब एक सवाल वापस आपके इधर से, अगर मान लीजिए आपका विधानसभा क्षेत्र बदल गया है, वोटर लिस्ट में आपका नाम है किसी विधानसभा क्षेत्र में लेकिन वो बदल गया है, तो आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा? वैसे बोलिए नहीं, आपने हाथ खड़ा किया है। पहले फॉर्म नंबर 7 से रिमूव करना पड़ेगा नेम, उसके बाद फॉर्म नंबर 6 से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में उसको ऐड करना पड़ेगा। फॉर्म नंबर 6, तो सर इनका कहना है फॉर्म नंबर 6 दैट इज करेक्ट, और उसमें आप ये मेंशन कर देंगे उसी फॉर्म में कि वहां पर आपका नाम था, ताकि वो काट दिया जाएगा। शुभ नाम? श्रुति। श्रुति जी, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही। चलिए एक सवाल आपके लिए, इधर इधर हो गया, इधर दो हो गए, इधर दो, एक, अगर एनआरआईज हैं और वो अगर वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो उनके लिए कौन सा फॉर्म होगा? सर एनआरआईज के लिए कोई प्रावधान है? इधर दो हो गए, किधर दो किधर नहीं हुए, और कोई? अब इधर कोई, इधर जी, फॉर्म नंबर 16, फॉर्म नंबर 16। देखिए अब एक क्लू दे रहा हूं, और बोलेगा कोई नहीं, हाथ खड़ा कीजिए। कई बार क्या होता है कि एक प्रावधान होता है और उस प्रावधान में कोई प्रोविजो या विशेष बात जोड़ने के लिए ए वगैरह लगा दिए गए थे, अभी देखा 8 तो 8 ए, या ये तो ये, अब ये इतना क्लू दे दिया एनआरआईज के लिए, देखिए कितने हाथ खड़े हो गए, कितने सही होंगे कितने गलत मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी आपका हाथ खड़ा है। हाँ बोलिए, आप कौन सा? 6A। 6A सर, 6A कर रही है, बिल्कुल सही। शुभ नाम? प्रीति शर्मा जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, तालियां प्रीति जी के लिए जोरदार तरीके से बजाइए। देखिए कई बार क्या होता है कि तालियों की गड़गड़ाहट जो थोड़ी कम हो जाती है वो हताशा का भी प्रतीक होती है, सोचते अरे हमको नहीं पूछा, हम भी बताने वाले थे, तो बताने वाला तो कोई भी नहीं था, मैं तो पूछ रहा था, ये तो आपकी सदाशयता था। आपने जब बातचीत हो रही थी तो अशोक जैन साहब ने कहा भाई थोड़ा लिबरल रहना, यूथ को थोड़ा मोटिवेट करना, और थोड़ी थोड़ी जानकारी भी अगर दें तो फिर वो अंत तो गत्वा जाकर के और चीज़ों को देखेंगे परिमार्जित, और हमारे दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी मोटिवेटेड होंगे। तालियां बजाइए आप सभी के लिए। चलिए एक सवाल, लोकसभा के चुनाव, तो एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एज, तो लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ये तीनों साथ ही बताने हैं आपको, क्या क्या आयु पूर्ण कर ली होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा का, राज्यसभा का और भारत के राष्ट्रपति पद का, एज बताइए। जी आप 25 तो लोकसभा के लिए और 35 राज्यसभा के लिए और 45 राष्ट्रपति जी के लिए। 25 35 45, कोई बात नहीं, मतलब पढ़ा तो है, और कई बार सर इसीलिए शिकायतें करते हैं कि मैं तो एग्जाम में बिल्कुल सही लिख के आया, मार्क्स दिए ही नहीं, तो कई बार ये भी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा सही थोड़ा। चलिए आप खड़े हो। सर राष्ट्रपति के लिए 35 और राज्यसभा के लिए 30 और लोकसभा के लिए 25। लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति के पद के लिए 35 वर्ष। शुभ नाम? छोटूलाल लांबा। छोटूलाल जी बिल्कुल बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब चलिए एक सवाल और, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष, राष्ट्रपति के पद के लिए 35 वर्ष, ये आयु पूर्ण कर ली होनी चाहिए। व्हाट इज द रेफरेंस डेट, किस दिन कर ली होनी चाहिए ये बता, फिर आप वहां से मत बोलिए। और मेरी चुनौती और है कि वहां से तो बोलते हैं, और जो वहां से जो बोलते हैं सर 99.99% गलत होते हैं, और मैं इसको प्रूव करने की कोशिश करता हूं, किसने पहले वहां से बोला वही हाथ खड़ा करें। चलिए मैं उसी को पूछता हूं, आपने कहा था, हाँ सर बताइए। 1 जनवरी 2014।
1 जनवरी 2014 यानी आप कहना यह चाहते हैं कि जिस वर्ष चुनाव हैं उस वर्ष का 1 जनवरी। बिल्कुल गलत। ये 99.99% का जो मेरा कॉन्सेप्शन था ये 100% सही साबित हो गया। शुभ नाम आपका? राम रतन नागर। राम रतन सिंह। क्या करूं मैं, क्या करूं, सॉरी। सो ये क्राइम तो नहीं कह सकते लेकिन ये डबल गलती, रूल्स का वायलेशन बिना पूछे और दूसरा फिर गलत, करेला और नीम चढ़ा। ये लाइटर वेन में आप मुस्कुराइए राम रतन जी, आप चिंता ही मत करिए, ये तो वैसे ही गपशप है। हाँ अच्छा, आप बोलिए साहब, कोई एनीबडी? हाँ यस। जिस दिन कैंडिडेट नामांकन भर रहा हो ना उस दिन वो नॉमिनेशन नामांकन भर रहा हो उस दिन वो आपने एज कंप्लीट कर लिया। देखते हैं, थोड़ा और बात करते, थोड़ा और फाइनल रिक्वायरमेंट है। हाँ साहब। चुनाव हो उस दिन, जो उस दिन चुनाव हो उस दिन, सर से ही पूछ लेते हैं, थोड़ा फाइनर चाहिए, थोड़ा सा और फाइनर। सो जी एक दिन बाद, एक दिन पहले, अच्छा नामांकन भरे उसके एक दिन पहले आपने थोड़ा इंप्रोवाइज किया, थोड़ा पीछे चले गए, आगे जाते तो शायद कोई कल्याण हो जाता। सर से ही पूछते हैं, सर थोड़ा फरमाए साहब। नामांकन पत्रों की जांच जिस दिन होती है उस दिन होना चाहिए। जिस दिन नामांकन पत्रों की जांच होती है उस दिन, स्क्रूटनी जब हो रही है, सो एलिजिबिलिटी इस बात से देखी जाती है कि जिस दिन आपके नामांकन पत्र को परखा जा रहा है, देखा जा रहा है कि कानूनन रूप से सही है नहीं, यानी जिस दिन स्क्रूटनी हो रही है उस दिन आपको पूर्ण कर ली होनी चाहिए। तो अपने को ये रेफरेंस डेट कि भाई ये है, तो स्वतः ही बात ये जिज्ञासा, इंक्विजिटिवनेस ये पैदा कीजिए, प्रश्न खड़ा कीजिए, उत्तर अपने आप मिलेगा। यही तो मंतव्य है प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का। तालियां बजाइए दूरदर्शन के लिए। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोचक जानकारियां हैं, आपको ये बताना है कि हम हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट में पेंडिंग है मामला कि 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए सीट्स का इलेक्शन में, ओके है ना पेंडिंग, और कई कंट्रीज में ऐसा प्रावधान भी है, लेकिन एक कंट्री ऐसा है जहां पर यह प्रावधान था, उसने उस प्रावधान को थोड़े समय पूर्व समाप्त कर दिया, आपको बताना है। 40 वर्षों तक उनके यहां प्रावधान था रिजर्वेशन, फिर उसको खत्म कर दिया, आपको कंट्री का नाम बताना है। देखिए मतलब आपको एक भूख होनी चाहिए जानकारियों के बारे में, और मैंने सर क्लू ही दे दिया है, भूख होनी चाहिए। कंट्री का नाम अब तो आपको स्वयं ही बता देना है, क्या बात है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, अरे आपको फिर मैंने क्लू पहले दे दिया, एक हाथ उधर से खड़ा किया गया है, इससे ज्यादा तो क्लू क्या हो सकता है। चलिए आपको मैं पूछ चुका हूं, हालांकि आपने हाथ खड़ा पहले किया था, पीछे आप बोलिए जी। चीन। आप बोलिए। चीन। चलिए आप बोलिए। सऊदी अरब। सऊदी अरब। जी हंगरी। हंगरी, भूख होनी चाहिए कंट्री का नाम, क्या बात है। शुभ नाम। प्रतीक। प्रतीक राज। देखिए प्रतीक राज, ये प्रतीक है उस राज के प्रतीक, मतलब जब आपको हिंट दिया जाता है उसको पकड़ लेना चाहिए। मैंने कहा देश का नाम बताइए जहां भूख भूख होनी चाहिए, मैंने कहा क्लू दे रहा हूं, इतना भी कह दिया तो वो सभी को ध्यान आ जाता। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए फिलहाल। सर एक जानकारी आपसे और करना चाहेंगे, ये इलेक्शंस जो होने जा रहे हैं, गर्मी का मौसम है, इस प्रकार का बारिश भी हो सकती है, इन चीज़ों को रखते हुए क्या कोई विशेष व्यवस्था आपने की है, क्योंकि बेमौसम के ओले पड़ रहे हैं, बरसातें हो रही है इत्यादि इत्यादि, तो इसके बारे में कुछ थोड़ा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे।
देखिए जो अप्रैल का महीना है सामान्यतः हमारे यहाँ गर्म रहता है, तो उसको देखते हुए वोटर्स के लिए और जो हमारी पोलिंग टीम्स जाती हैं दोनों के लिए सुविधाओं के निर्देश दिए गए हैं। वोटर्स के लिए छाया का प्रबंध किया जाना, पानी पीने का पानी का प्रबंध किया जाना, और यदि कोई वृद्ध या असहाय ऐसे वोटर्स हैं तो उनके बैठने के लिए उपयुक्त चेयर या बेंच की व्यवस्था, और गर्मी से यदि प्रभावित हो जाते हैं कोई बीमारी हो जाती है तो दवाओं की व्यवस्था, ये किया जा रहा है। उसके अलावा जो पोलिंग टीम जाती है उनके लिए भी, चूँकि वो अंदर कमरे में बैठ कर के कार्य करते हैं, तो वहाँ एक तो बिजली की व्यवस्था जहाँ बिजली संभव है, और फैन की व्यवस्था, मेडिसिन की व्यवस्था, ये उनके लिए किया जा रहा है, और अन्य जो लॉजिस्टिक्स चाहिए जैसे रहने का स्थान, नहाने धोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इन सब की व्यवस्था करी की जा रही है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए दो रोचक सवाल मैं लेना चाहता हूं। एक व्यक्ति यदि वोट देने के लिए जाए और वहां पर जाने पर उसको पता चले कि उसके नाम के आगे तो अब टिक लगा दिया गया है, यानी कोई व्यक्ति आकर के इंपर्सोनेशन करके उसकी जगह उसने वोट दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो इंसिस्ट करे कि नहीं साहब मैं तो वोट दूंगा क्योंकि मैं ओरिजिनल वोटर हूं, तो क्या प्रावधान है, ये आपको बताना है और जीतना है पुरस्कार। जी बोलिए आप। चैलेंज्ड वोट, वो दो रुपए के एप्लीकेशन फाइल करेगा एंड वहां वो बोलेगा कि ये जो वोट है। नहीं 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 नहीं, नहीं आपने चैलेंज वोट कहा तो चलिए मैं चैलेंज वोट का भी पूछ लूंगा, लेकिन वो आपने मिक्स कर ली चीजें, पढ़ी हैं आपने, पढ़ी हैं आप। यस सर, वो वोटर के पास वो ऑफिसर होगा उसके पास रिपोर्ट करेगा। नहीं 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 नहीं, वोट नहीं आपको मिला है पुरस्कार, और कोई नहीं है तो फिर तो पूछना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। वो वोट नहीं दे पाएगा। हाँ सर बोलिए आप। वोटर चैलेंज सर, वो ना मतलब दो रुपए की एप्लीकेशन लेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं चीजें कंफ्यूज की जा रही हैं। जी कौन बोलेगा आप में से? हाँ जी कौन कौन बोलिए। हाँ इधर 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 आइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, इधर इधर उधर आने की जरूरत नहीं, इधर झुकिए ना थोड़ा। सर जब भी हम सर आते हैं तो सर हमारे सच्ची एक उंगली पे सर एक मार्क लगे थे, वो तो सर देखे सर चेक करेगा, वो तो जल्दी से तो सर वो रिमूव होता ही नहीं है सर, तो जो नहीं 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 प्रश्न आपने समझे। मैं कहता हूँ कि आप में से कोई भी, मान लीजिए आप सभी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, आप वोट देने के लिए जाते हैं और आपको ये पता चलता है कि आपके स्थान पर कोई आकर के वोट दे गया है, गलत व्यक्ति, फर्जी वोटिंग हो गई, मान लीजिए आप ओरिजिनल वोटर हैं, तो और आप इंसिस्ट करेंगे भाई एक तो है भाई दे गया तो आप जाइए घर, आप इंसिस्ट करें नहीं मैं तो अपने अधिकार का प्रयोग करूंगा, आप आमंत्रित करते हैं अशोक जैन साहब, इतना आपने कहा ये वो वगैरह वगैरह, और मैं तो उत्साहित प्रेरित होकर के आया हूं उत्साह और उमंग से इस जश्न में भाग लेने के लिए, अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए, तो क्या प्रावधान है। मैं जैन साहब से कहूंगा, सर आप फरमाएं। वो टेंडर्ड वोट डाल सकते हैं और इसके लिए वो उसको एक निर्धारित प्रपत्र में भरना पड़ेगा, प्रपत्र भरना पड़ेगा, और टेंडर्ड वोट अलग से एक अलग लिफाफे में सील किया जाएगा। बिल्कुल सही, यानी टेंडर्ड वोट, यानी जो वोट दे दिया गया है टेंडर्ड वोट उसके स्थान पर, और सर इसके लिए फिर मेरे ख्याल से उसको बैलेट पेपर दिया जाएगा। बैलेट पेपर, तो इसके लिए कुछ बैलेट पेपर्स उनके पास होते हैं और जो सील होती है जो हुआ करती थी वो आपको दी जाएगी, आपको कहेंगे भाई आप वोट दे दीजिए, और जैसा कि आपने बताया उसको सील कवर में उसको रख लेंगे, ऑर्डिनरीली वो कोई काम नहीं आता है। और अभी मैं जब अशोक जैन साहब से चर्चा कर रहा था तो आपने कहा कि मार्जिन बिल्कुल नेक बिल्कुल बराबर या ऐसी स्थिति हो जाए देन दैट विल बी कंसीडर्ड। तालियां बजाइए इस जानकारी के लिए। अब एक वहां से बात की गई दो रुपए की, चैलेंज्ड वोट चैलेंज को चुनौती दी गई, तो उस चुनौती को स्वीकारते हुए हम एक प्रश्न ये लेते हैं कि मान लीजिए क्या होता है कि आपने देखा होगा वोट देने के लिए जब जाते हैं तो
जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर पोलिंग बूथ पर बैठे रहते हैं, वो निशान लगाते हैं, वो पहचानते भी हैं और वो ये देखते हैं कि वोटर कोई फर्जी तो नहीं है। अगर कोई वोटर आता है जो संदिग्ध लगता हो, ये लगता हो कि जिस नाम का ये वोटर है वो नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं ये आपको बताना है और जीतना है पुरस्कार। अगर ऐसा लगे कि वोटर सही नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, बोलिए आप जी। सर चैलेंज वोट कर सकते हैं जिसमें 2 रुपए का आप टिकट लेते हैं और आप टिकट कहाँ से, रेलवे स्टेशन से, बस नहीं, स्टॉप से? नहीं सर, वहीं से, सब बूथ से टिकट लेते हैं। हाँ, और आप चैलेंज करते हैं नहीं, टिकट की जगह कोई और शब्द हो सकता है क्या? फॉर्म लेते हैं। हाँ, अच्छा फॉर्म की जगह, ये तो पीछे वाले बोले इसलिए आपने, इसलिए कहते हैं कि इसीलिए कहते हैं सब नकल नहीं मारनी चाहिए और कोई बात नहीं। अच्छा, 2 रुपए हैं। हाँ सर, 2 रुपए की फीस कह सकते हैं सर? फीस? हाँ फीस। हाँ हाँ, अच्छा मैंने कहा तो चलिए ठीक है, आगे बढ़े। हाँ साहब, कोई बात नहीं, चलिए। सर 2 रुपए की फीस से आपको वो फॉर्म अवेलेबल होगा, उसके बाद अगर आप सही हो कि नहीं वो जो इंसान था वो फर्जी था तो आपको वो 2 रुपए वापस मिल जाते हैं। अच्छा, ये फॉर्म तय करेगा कि वो आपने जो चैलेंज किया वो वोटर की आइडेंटिटी को वो सही है गलत है, कौन सर उसकी आइडेंटिटी से कौन करेगा ये तय? सर जो वहाँ पे नियुक्त लोग होंगे। हाँ, नियुक्त लोग यानी जो अधिकारी होंगे। हाँ, जो प्राधिकृत होंगे। हाँ, आपका शुभ नाम? विशाली राजपूत। विशाली जी बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बिल्कुल सही। यानी अगर अपने को लगता है कि वो व्यक्ति आ रहा है और उसको लगे तो वो उसे चुनौती देगा, समझ गए आप, चुनौती चैलेंज, और चैलेंज जब किया जाएगा उसकी फी है 2 रुपए, आप जमा कराइए और वहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो पूरी इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी के बाद अगर वो संतुष्ट है कि आपका कथन सही है वो फर्जी वोटर है तो जो कार्रवाई कानूनी होनी है वो अलग बात है, उसको वोट देने नहीं दिया जाएगा और 2 रुपए की राशि लौटा दी जाएगी और अन्यथा 2 रुपए की राशि जब्त कर ली जाएगी। तालियां बजाइए इस जानकारी के लिए जो आपके पास है। देखिए, चुनाव में आपने देखा होगा पार्टियों की बाढ़ आ गई है और कई लोग खड़े होते हैं, कई लोग शौक है बस खड़ा होना है, खड़ा होना है। आपको ये बताना है कि मान्यता प्राप्त दल का प्रत्याशी है तो उसके लिए प्रस्तावक कितने होने चाहिए और गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है तो कितने होने चाहिए, ये बताइए और जीतिए पुरस्कार। आपको पूछा मैंने? अच्छा, किसको नहीं पूछा आपको? आप बोलिए आप। हाँ सर, मान्यता प्राप्त के लिए तो 10 होने चाहिए सर। मान्यता प्राप्त के लिए 10 प्रस्तावक होने चाहिए। ओके, गैर का पता नहीं, कोई पता नहीं, चलिए इधर से और कोई। हाँ बोलिए आप। मान्यता प्राप्त को 10 होना चाहिए। मान्यता प्राप्त के लिए 10 प्रस्तावक होने चाहिए। हाँ जी बोलिए आप। गैर मान्यता प्राप्त के लिए 10 होने चाहिए। और मान्यता प्राप्त के लिए? उसका पता नहीं सर। उसका पता नहीं सर, इनको तो 10 जो कह रहे हैं इनको सही मानते हुए इनको तो एक पुरस्कार दे दूं। गैर मान्यता प्राप्त के लिए प्रस्तावों की संख्या। शुभ नाम? योगेश। योगेश जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। खैरिये खैरिये, आपको पूछा मैंने पहले, चलिए बोलिए। गैर मान्यता के लिए 10 और मान्यता के लिए 1 ही सही है। मान्यता के लिए 1 होना चाहिए। शुभ नाम? अरुण। अरुण जी बिल्कुल सही कहा आपने, तालियां जोरों से बजाइए दोनों के लिए आप। अगर कोई ये बता दे कि अगर फर्जी वोटिंग करने के लिए जाए और जो पकड़ा जाए फर्जी वोटिंग तो उसके लिए सजा का जो प्रावधान है वो कितना है भारतीय दंड संहिता के तहत, आपको अवधि बतानी है अधिकतम कितने वर्ष की सजा, बस इतना सा बताना कितने वर्ष की। अरे अंदाजा ही लगा सकते हैं, तीर नहीं तो तुक्का भी लगा सकते हैं। बोलिए, आपको पूछा जी। 6 मंथ। 6 मंथ अधिकतम? अधिकतम 3 वर्ष। 3 वर्ष? 3 वर्ष। 3 वर्ष? 1 वर्ष। 1 वर्ष। शुभ नाम? नवीन यादव। नवीन जी खड़े हुई आप लीजिए, अधिकतम 1 वर्ष की सजा हो सकती है। देखिए आईपीसी की धारा 171D में एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति अगर वोट देने के लिए जाए तो ये अपराध माना गया है और धारा 171F में सजा का प्रावधान है, 1 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों। सर आपसे एक सवाल और,
कई मतदाता विकलांग होते हैं, बिल्कुल असहाय होते हैं, कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके नेत्र नहीं है, नेत्रहीन होते हैं, क्या इनके लिए भी कोई विशेष व्यवस्था आप द्वारा की गई है? इनके लिए जैसे जो विकलांग व्यक्ति हैं, मतदाता हैं और मतदान केंद्र पर मतदान करने आते हैं, तो उनके लिए एक व्यवस्था तो यह है कि उनको प्रायोरिटी दी जाती है, यानी प्राथमिकता दे करके क्यू में खड़े रहने की उनको ज़रूरत ना रहे जी, और जल्दी वोट डाल सकें। और अगर वो व्हीलचेयर पर आते हैं तो व्हीलचेयर में के साथ अंदर जा सकते हैं जी। और अगर बिल्कुल ऐसा है चल नहीं सकते हैं तो अपने साथ कोई साथी ला सकते हैं जो 18 वर्ष से अधिक आयु का हो। और तीसरा दूसरा कैटेगरी जो हमारी है नेत्रहीन की, तो नेत्रहीन मतदाता भी अपने साथ कंपेनियन ला सकते हैं और उनके लिए ब्रेल में छपी हुई डमी बैलेट पेपर जो है वो वहाँ पे रहता है जिसको वो पढ़ सकते हैं। और ब्रेल में ही छपे न्यूमरल्स ईवीएम पर चिपके हुए होते हैं जिनको देख करके वो बटन को पहचान सकते हैं और अपना मतदान कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। और जैन साहब ने जो बात कही उससे ही जुड़ा हुआ एक सवाल, आपने ये कहा कि अगर नेत्रहीन है तो एक कंपेनियन को साथ ले जा सकते हैं, आपने ये कहा कि विकलांग है, स्थिति ऐसी नहीं है कि वो खुद मूव कर सके तो कंपेनियन को साथ ले जा सकते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपको ये बताना है कि वोट देने के लिए जब वोटर जा रहा है इन दो परिस्थितियों को छोड़ करके क्या कोई ऐसी स्थिति और भी है जहां पर वह अपने साथ किसी अन्य को ले जा सकता है वोटर, ये आपको बताना है इन दो के अतिरिक्त। सर अगर वो अशिक्षित है उसे पता नहीं है? नहीं, अशिक्षित नहीं, अशिक्षित नहीं, वो अन्य व्यक्ति हो सकता है, गोद में बालक, छोटा बालक है, बिल्कुल छोटा बच्चा, तो उसको साथ परमिट कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ी रोचक बातें हैं, इसके लिए भी ताली बजा सकते हैं आप। देखिए आप इतनी बड़ी संख्या में आए और इतने उत्साह से आपने भाग लिया, और जब आपसे ये कहा गया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान श्री अशोक जैन साहब ने ये संदेश दिया है कि दूरदर्शन प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन करें ताकि जो मंतव्य है यानी जो हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं वो कई प्रकार के जो आप आयोजन कर रहे हैं उसमें प्रश्नोत्तरी का भी अपना योगदान, अपना महत्व है, तो आपने जो निर्देश दिया उसकी पालना में दूरदर्शन ने यह आयोजन किया और जितनी बड़ी संख्या में और उत्साह उमंग से आपने भाग लिया उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, उसके लिए एक बार तालियां आप स्वयं ही अपने लिए बजा दीजिए। और हम अपेक्षा करते हैं कि सारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और विशेष रूप से युवा, हर व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वहन करेगा, वो ये सोचेगा कि एक अवसर है। कई बार हम ये सोचते हैं कि मैं वोट देने के लिए न जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है, या कई बार सोचते हैं महत्वपूर्ण काम है। मैं निवेदन आपसे ये करना चाहूँगा, अशोक जैन साहब ने यही कहा कि इससे बड़ा महत्वपूर्ण काम हो ही नहीं सकता, फिर 5 वर्ष के लिए रिहाएंगे कि ये सरकार कैसी आ गई, कैसी आ गई, तो उससे पहले अपने दायित्व का हम निर्वहन कर लें। धन्यवाद, 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 तालियां जोरों से बजाइए अपने लिए आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।